नमस्कार, सुमन कुशवाहा, जनपद कौसाम्बी। आज मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी का प्रस्तुतिकरण ईदगाह। ईदगाह में मुख्य पात्र हैं दादी अमीना और हामिद, जो 4-5 वर्ष का बालक है। उसके दोस्त नूरे, सिमी, मोहसिन, महमूद। ये कहानी गरीबों के उच्च संस्कारों की बात कही गई है। इस कहानी में हामिद जैसे बुद्धिजीवी तर्क पर चर्चा की गई है। आइए ईदगाह कहानी के बारे में जानें। पूरे 30 रोजों के रमजान के बाद ईद आई है। सुहाना प्रभात है, चारों तरफ चहल पहल मची हुई है। सूर्य की लालिमा तो देखते ही बनती है, जैसे मानो सारे संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा हो। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि उनको ईदगाह मेले में जो जाना था। नए जूते कपड़े पहने हुए अपने पिता से कोई 13 पैसे, कोई 12 पैसे, कोई 16 पैसे। दूसरी तरफ हामिद 4 या 5 वर्ष का बालक बेहद गरीब दुबला पतला लड़का है, जिसके पिता गत वर्षों में हज के शिकार अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। माँ सोच में पीली पड़कर संसार से विदा हो गई है। दूसरे दादी अमीना के अलावा हामिद का कोई सहारा नहीं होता। अमीना कोठरी में बैठे हुए रो रही हैं और कह रही हैं, या अल्लाह, हम जैसे गरीबों के लिए ईद क्यों बनाई है। आज इस मासूम बच्चे के पास जूते भी नहीं है, जो 3 कोस पैदल चल के कैसे जाएगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। और आज मेरे पास कुल 5 पैसे हैं, जिसमें 2 पैसों से दूध और सेवइयों की व्यवस्था करनी है, और फिर नन्हे मासूम बच्चे के लिए 3 पैसे देना है। हामिद दौड़ता हुआ आता है, दादी अम्मी जान, मैं मेले में जल्दी लौट आऊँगा। हामिद बड़े बूढ़ों बच्चों के साथ टोली बनाकर ईदगाह जाता है। रास्ते में अदालत, कॉलेज, थाने आदि के बारे में बच्चे बड़ों से आपस में चर्चा करते हैं। अब वह स्थान ईदगाह का आ गया, जहां बच्चे जाना चाहते थे। विशाल इमली की वृक्ष की छाया के नीचे पक्की फर्श पर मेला लगा हुआ था। बड़े बच्चे एक साथ नमाज पंक्ति में बैठकर खड़े होना, झुकना बहुत ही मनोहर प्रतीत हो रहा था। ईद नमाज समाप्त होते ही बच्चे एक दूसरे को मुबारकबाद और गले लगाए। उसके बाद खिलौनों की दुकान पर गए, जहां मोहसिन ने भिस्ती, महमूद ने सिपाही, नूरे ने वकील, सिमी ने धोबिन खरीदा। पर हामिद क्या, हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, जिसने कुछ भी नहीं खरीदा। बच्चे आपस में खिलौनों की चर्चा करने लगे। मोहसिन, मेरा भिस्ती तो रोज़ पानी ला कर देगा सांस सवेरे। महमूद, मेरा सिपाही तो रोज़ घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन गोली मार देगा। नूरे, मेरा वकील तो अदालत में खूब मुकदमा लड़ेगा। सिमी, मेरी धोबिन तो रोज़ घर का कपड़ा धोएगी। हामिद तर्क देता है, पर तो क्या हुआ, ये सारे तो मिट्टी के हैं, ये कोई असली में काम थोड़ी करेंगे, जरा सभी ठोकर लगी तो शरीर के चकना चूर हो जाएंगे। इसके बाद बच्चे मिठाई की दुकान पर जाते हैं, जहाँ खुशबूदार रेवड़िया और गुलाब जामुन, सोहन हलवा बच्चे खरीद के खाते हैं। मोहसिन ने कहा, हामिद ये देखो खुशबूदार रेवड़िया खा के देखो। जैसे हामिद हाथ फैलाता खींच लेते हैं हाथ। उसके बाद हामिद ने कहा कि जाने दो जाने, ये तो क्या कहते हैं, इसको खाने से थोड़ी फुंसियाँ निकल आएंगी, जीभ भी चटोरी हो जाएंगी। ये ऐसे ही विद्वानों ने किताबों में थोड़ी लिखा है, क्योंकि क्या कहते हैं, इनके खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आगे निकलते हैं, जहाँ लोहे की दुकान होती है, पर यहाँ पे बच्चों को कोई ख़रीदने की चीज़ नहीं है। हामिद रुक जाता है दुकान पे, लोहे का चिमटा देख करके उसे याद आया कि दादी अमीना जब उसके लिए खाना बनाती हैं, तब इस रोटी उतारते समय चिमटा ना होने का उनका हाथ जल जाता है। दादी के लिए चिमटा खरीद देगा तो बहुत खुश हो जाएंगी, उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, बेटे तुम्हारी खरीदी कोई चीज़ नहीं है। फिर उसने कहा, कितने पैसे में चिमटा मिलेगा। दुकानदार ने कहा, कुल 6 पैसे में। हामिद का दिल बैठ जाता है। फिर उसने कहा कि सही सही बताओ। दुकानदार ने कहा, 5 पैसे। फिर हामिद ने कलेजा थाम कर कहा, 3 पैसे को दोगे, नहीं तो जा रहा हूँ। दुकानदार ने बुला करके 3 पैसे में चिमटा दे दिया। चिमटा लेकर के हामिद बच्चों के पास आया। मोहसिन देखते हुए बोलते हैं, क्यों रे पगले, चिमटा क्यों खरीद के ले आया। तो हामिद ने कहा, ये चिमटा पटक के दिखाया, बोले अगर तुम्हारे भिस्ती सिपाही में दम हो तो जरा सामना करके दिखाए। तो हामिद मोहसिन ने कहा,
क्यों ये खिलौना थोड़ी है चिमटा, क्यों नहीं खिलौने चिमटे को कंधे पे रखो तो बंदूक बन जाती है, हाथ फकीरों के हाथ में आता है तो चिमटा बन जाता है, हाथ में रखो बजाओ तो मजीरा बन जाता है, और तुम्हारी भिस्ती में इतनी दम नहीं है, जरा एक चिमटा पड़ेगा तो सबकी हड्डी बसली टूट जाएंगी और जान निकल जाएगी। हामिद के तर्कपूर्ण जवाब से सभी बच्चों को चिमटा मोहित कर लिया, पर अब क्या, पैसे सबके ख़त्म हो चुके थे, चिमटा कैसे खरीदे। मेला वापस गांव में आ गया। गांव में पहुंचते ही सारे खिलौने, किसी की हड्डी, किसी की कमर, किसी की अपाहिज बन गई, मिट्टी के खिलौने थे मिट्टी में ही मिल गए, पर चिमटा का कोई बाल बांका न कर सका। अब हामिद की आवाज़ सुनते ही दादी अमीना दौड़ी आई और उसको गले लगा लिया, पर उसके हाथ में चिमटा देख के क्रोधित होके बोली, क्यों रे पगले, 11 बज चुके हैं तेरे, हमारे हाथ में सिर्फ चिमटा दिखाई दे रहा है, कितने के मिले, 3 पैसे के, तो जी पूरे मेले में खिलौने मिठाई की दुकान नहीं दिखी, सिर्फ चिमटा ही दिखाई दिया। हामिद ने अपराध भाव से बोला, दादी अम्मा जब आप रोटी बनाती थी तो आपका हाथ तवे से रोटी उतारते समय जल जाता था, इसलिए मुझे याद आया कि मैं चिमटा ले चलूँ। दादी माँ ये सोच करके गदगद हो उठी, उनका क्रोध प्यार में बदल गया और अल्लाह से कह रही, या अल्लाह तूने इस बालक को सिर्फ मेले में मैं ही दिखाई दी, क्या इसको क्या कहते मिठाई खिलौनों को बिल्कुल नहीं याद आई, सिर्फ उसकी दादी अमीना का हाथ ही याद आया। और ये सोचते हुए कहीं जा रही हैं और उसको गले लगा करके उनके आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं और हामिद उनको देख रहा है, क्या उस रहस्य को समझ पाता। आइए प्यारे बच्चों, इस कहानी से, ईदगाह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि आर्थिक संसाधन या गरीबी के मोड़ पे अगर हमारे हौसले, अगर सकारात्मक सोच रहे तो हम मंजिल को अवश्य पा सकते हैं। जैसे कि हामिद की सकारात्मक सोच, बुद्धिजीवी तर्क पे उसने अपने दोस्तों के खिलौनों पे भी विजय प्राप्त कर ली है। आइए हमें भी हामिद जैसे सकारात्मक सोच को रखते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ें। धन्यवाद।